हर रात को ना ये क्या करता है, सॉक्स जूतों के अंदर देखो अंदर उठा के भाग जाता है। सॉक्स वो प्यार कम हो गया ना थोड़ा सा, पबजी में ज्यादा मगन हो गया। तुक्के में सारे गाड़ी चला रहे, बस भगवान करे ये लास्ट के 22 मिनट कैसे भी निकल जाए। और टॉपिक को भी जानता नहीं है वो, आई डोंट थिंक सब मिलाना चाहिए अभी। जूतों में सॉक्स गायब है वापस। टॉपी सॉक्स का है मेरा, मैं नहीं बताऊंगा। टॉपी टॉपी मेरे सॉक्स का ही, बुढ़े में सॉक्स का ही नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ये टॉपी हर रात को ना ये क्या करता है, सॉक्स जूतों के अंदर देखो अंदर उठा के भाग जाता है। सॉक्स ना उठा के भाग जाता है, ये कोई कहाँ डाल देता समझ में नहीं आता। अंदर देखो, तुमने बचाया क्या? हाँ। कैसे? मैंने रात को जूतों के अंदर घुसा दिया था। क्यों वापस निकाला था रात को? नहीं। फिर देखो ना, देख रहा हूँ ना, देख रहा हूँ ना, जिसको देखना है मुझे, काश जिसको देखना है वो देख रहा हूँ उसको मैं, काश। अच्छी यार, रुको भाई, मैंने जल्दी कर, जल्दी करो, जल्दी लगा बोल रहा हूँ मुझे। तो गाइस यहाँ पे हमको एक टॉबी का फ्रेंड मिल गया, बेचारी भूखी होगी, लड़की है और बच्चे हम सोच रहे हैं कि टॉपी का जो खाना है ना वो ढाके टिका के दे देते हैं। टॉपी नो अजड़ आया ब्लड सा, हाँ टूटा क्या? तो भाई जो रेस्टोरेंट में आए हैं उनके काफ़ी मस्त लग रहा है, गाना वाना बज रहे पीछे, कॉफी लग जाएगा। मीठा ज़्यादा तीखा कम, हिंग हिंग ना हिंग नहीं। यो यो तो गाइस जैसे आपको पता है कि हम सुबह से भूखे थे, 11 बजे उठे थे, 12 बजे निकल गए थे वहाँ से, और अब से कुछ खाया नहीं है, सिर्फ चाय पिया था सुबह। और फाइनली आज का पहला निवाला पूरे दिन का, तो एक शानदार सा रेस्टोरेंट में एक शानदार सा खाना खाते हुए, लेकिन बड़ी एक टाइम था जब हम ऐसे खाते थे, सब भूल गए वापस, वो प्यार कम हो गया ना थोड़ा सा, पबजी में ज़्यादा मगन हो गया है। चलो फाइनली ऑलमोस्ट देहरादून पहुंच चुके हैं, रात के 9 बजने वाले हैं, और ये है देहरादून घुसते टाइम जो स्टार्टिंग का मोन का जंगल है, और शायद हमारी गाड़ी की लाइट थोड़ी सी कम हो गई है, इसलिए हमको गाड़ी के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है ऐसे घूम घाम के घूमने में ना, घूम घूम क्या बोलेंगे, रास्ता स्पॉट दिख नहीं रहा ढंग से। हाँ मतलब ढंग से तो सारंग तुक्के में गाड़ी चला रहे हैं, तुक्के में सारंग गाड़ी चला रहे हैं, बस भगवान करे ये लास्ट के 22 मिनट कैसे भी निकल जाए और हम घर पहुंच जाए। पहुंच गए यहाँ पे, और मेरे कुत्ते का नाम ही भूल गया, मेरे घर के कुत्ते का नाम। मम्मी क्या कुत्ता का नाम बिरसी का? मम्मी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ शेरू, तुम्हें अच्छा तुम्हें आते हो आई को नहीं मानियो, वो टॉपी ले पकड़, टॉपी ले पकड़, हां टॉपी टॉपी ले पकड़, टॉपी ले तो फिर गोद में नहीं निकलना, टॉपी ले लो गोद में, कुछ ना वो टोक चपड़ी है, टोक चपड़ी टोक के ना तके था गम में पड़ देख, तुमसे दूसरा तुम्हें फोकट वाला शाना ना, इधर एक नंबर का शेरो बहुत बड़ा लड़का है, और टॉपिक को भी जानता नहीं है वो, आई डोंट थिंक सब मिलाना चाहिए अभी। तो गाइस हम लोग अभी दिख रहे हैं हमारा पुराना पुराना सामान जो हमने अभी एंगेजमेंट में पहना था, तो हम सब चेकआउट कर रहे थे। कैसा लग रहा है वापस आके घर पे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस हम लोग अभी काफ़ी ज़्यादा थक गए, अभी हम लोग सोच रहे हैं कि रेस्ट करके सो जाएंगे, मतलब पहले फ्रेश होंगे फिर जाके सोएंगे। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस दिल से, क्योंकि अभी आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। भाई एक बाय द वे दुबई से गाइस हमारे लिए गिफ्ट आया है, स्पेशली हमारे लिए, सिर्फ स्पेशली दीदी, दीदी ने सिर्फ मेरे लिए, तो दीदी ने मुझे बहुत ही प्यारा सा ड्रेस, टॉप एंड स्कर्ट, बहुत ही मेरी पसंद से जैसे मुझे पसंद है, और एक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा वॉच भेजा है,
और ये मेरे लिए जिम का टी शर्ट है और जिम का जैकेट है। ये जैकेट मैं बाहर भी लगा सकती हूँ। लव यू दीदी। ठीक है कोई बात नहीं, बच्चे को थोड़ी देर के लिए खुश करते ना, चाहे वो देते ना टॉफी देते बच्चों को, थोड़ा सा खुश हो जाओ बोल के, वैसे ही स्कूल में दे दिया है, खुश हो जाएगी कुछ टाइम के लिए। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल। गुड नाइट। बाय बाय।